हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सतनाम ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कुछ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रहने वाली हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यू साउथ वेल्स के बारे में, कुछ जर्नलिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एंड ऑफ द ईयर वैक्सीनेशन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बातें हो रही हैं और स्कॉट मॉरिसन के दिमाग में इसके रिलेटेड क्या प्रेशर है, और जो वैक्सीनेशन की जो भाग दौड़ है जिसको संभाली गई है जनरल जॉन फ्यू ने, उनकी क्या स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया और वैक्सीनेशन को लेकर एंड ऑफ दिस ईयर। और उसके अलावा हम कोविड 19 की न्यूज़ के बारे में बातें करेंगे और क्वींसलैंड में आज लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो अपलोड करने में। प्लीज़ ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की सबसे पहली न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वन अकेडमिक हैज सेड पॉसिबल न्यू साउथ वेल्स बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी अ फोर्स विद लिव द वायरस एंड गिव अप ऑन द गोल ऑफ जीरो कम्युनिटी केसेस। जैसे वहाँ के एक जर्नलिस्ट और अकेडमिक्स ने कहा है कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला स्टेट होगा जिससे फोर्सफुली वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा, और जो इनका गोल होता है हमेशा ज़ीरो केसेस वाला, उसको अब इनको डिक्लाइन करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली हर स्टेट को डिक्लाइन करना पड़ेगा और न्यू साउथ वेल्स में सबसे पहले होगा कि जो कि अब ज़ीरो स्ट्राइक रेट्स के साथ नहीं चलेगा, इनको वायरस के साथ रहना पड़ेगा। और उसके अलावा दूसरी खबर ये है कि जैसे मैंने आपको शेयर किया था, स्कॉट मॉरिसन ने कोऑर्डिनेटर को वहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी है एंड ऑफ दिस ईयर पूरी ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेट करने की। आपके सामने है फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर, दैट्स अ न्यूज़ गोल सेट बाय द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशंस रोल आउट। गेटिंग देयर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग टेक अप ऑफ एस्ट्राजेनिक एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड टू अ टर्न अराउंड। जैसे हमें पता ही है वहाँ पर अब उनकी गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी कह दिया है कि एस्ट्राजेनिक अब कोई भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है क्योंकि उसको भी सभी ले सकते हैं। फाइज़र को पता ही है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, बट फाइज़र के वहाँ जैब्स कम होने के कारण अब वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर्स अपने ऑजिस को फोर्स कर रहे हैं कि एस्ट्राजेनिक भी सेफ़ है। और उसके अलावा आप देख ही सकते हैं जनरल जॉन फ्यून सेज दैट ऑल ऑस्ट्रेलियंस मे हैव एक्सेस टू अ टू डोजेस वैक्सीन बाय द एंड ऑफ द ईयर रेदर देन द प्रीवियस टारगेट ऑफ वन। ये वही जनरल जॉन फ्यून है जो स्कॉट मॉरिसन ने इनको ड्यूटी सौंपी है पूरे ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेट करने और टू डोजेस देने की एट द एंड ऑफ दिस ईयर, जो इनका अचीवमेंट रेट है 70% वो अचीव करने के लिए। इन्होंने अपनी कल की स्टेटमेंट ये भी बातें की थी कि जैसे अब इनका 2 लाख पर डे वाला टारगेट चल रहा है, जैसे 1 मिलियन पर वीक, उसको ये इंक्रीज करके पॉसिबल करेंगे। अगर 2 मिलियंस पर वीक तक हो जाए तब ये अचीव कर पाएंगे टू डोजेज एवरी ऑजिस को 70% तक। और उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर हैज स्ट्रेस द नीड टू रीच द की वैक्सीनेशन टारगेट टू स्टार्ट सेइंग गुड बाय टू लॉकडाउन्स। अब स्कॉट मॉरिसन के भी दूसरी चीज़ों से ध्यान हटाकर अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लॉकडाउन को खोलने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि उन्होंने अब उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि अब उनको भी पता है कि नेक्स्ट ईयर उनकी वोटिंग तभी मिलेगी अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जल्दी से जल्दी ओपन करेंगे और अब ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी जो उन्होंने टारगेट बताया 70% एंड ऑफ दिस ईयर वो अचीव करेंगे। अब उनके ज़्यादा से ज़्यादा ये स्ट्रेस है कि ऑजिस को 2 डोजेज एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड अचीव द 70% एंड टर्न टू अ नेक्स्ट फेज बी तक पहुंच जाए। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो फेज 3 में एंटर कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर किया था कि जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं वो फेज 3 में ही एंटर कर सकेंगे जब 80% ऑफ वैक्सीनेशन लग जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली फेब और मार्च के बीच में लग जाएगी। और उसके अलावा क्योंकि अब इनको पता है, क्योंकि जो इनके ओपोजिशन पार्टी वाले थे एंथनी एब्लीज़, वो भी प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स को खोलने के लिए, अब ये अपनी वोटिंग के लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और जल्दी से जल्दी ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा आज कोविड 19 की न्यूज़, क्वींसलैंड में 13 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जिसके दौरान वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, और न्यू साउथ वेल्स में 209 केस रिकॉर्ड हुए हैं, और अपना विक्टोरिया में सिर्फ ओनली 2 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। विक्टोरिया में इतने कम केसेस रिकॉर्ड होने के कारण वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ईज होने वाली हैं।
अगर आपको ये सारी न्यूज़ ऑथेंटिक और सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाएं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखने वाले 67% अनसब्सक्राइब्ड हैं जो वीडियो को देख कर चले जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाएं। प्लीज़ आपका धन्यवाद।